गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ न्यू नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल। आई एम अवर इंग्लिश टीचर। जैसे कि अपने को पता है कि क्लास अपनी थर्ड है, क्लास अपनी कौन सी है स्टूडेंट्स, थर्ड है। और आज हम इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़े थे पिछले वीडियो के अंदर। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से जो चैप्टर फर्स्ट था अपना नाम था वन थिंग एट ए टाइम, मतलब एक समय पर केवल एक ही काम करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, एक समय पर केवल एक ही काम करना चाहिए। ठीक है, इस बारे में हमने पढ़ा था। लेक्चर फर्स्ट अपना क्लियर हो गया था। आज का जो अपना लेक्चर है वो लेक्चर नंबर सेकंड है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अपन ने जो कल पढ़ा था उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से अपना बुक थी, इसमें एक चैप्टर था वन थिंग एट ए टाइम, मतलब एक समय पर केवल एक ही काम करना। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, वन थिंग एट ए टाइम, एक समय पर केवल एक काम ही करना। ओके, वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, जब तुम कोई काम करते हो तो सिर्फ उस समय पर काम ही करो। प्ले व्हाइल यू प्ले, अगर आप खेल रहे हो तो सिर्फ खेल ही खेलो। दैट इज द वे, यही तरीका है, यही रास्ता है टू बी हैप्पी एंड गै, खुश रहने का, प्रसन्न रहने का। इस तरीके से पढ़ने फर्स्ट चैप्टर ये पढ़ा था, फर्स्ट पैराग्राफ। फिर सेकंड पैराग्राफ था वन थिंग एट ए टाइम, एक समय पर केवल एक ही काम करें एंड दैट डन वेल, और उसे अच्छी तरीके से करें। और उसे कार्य को कैसे करें, बहुत अच्छी तरीके से करें। इज द बेस्ट ऑफ ऑल रूल्स, यही सबसे अच्छा नियम है। एज मैनी कैन टेल, जैसा कि अधिकांश लोग हमें बताते हैं, कई लोग हमें बताते हैं कि यही सबसे अच्छा नियम है, जैसा कि हमें सभी लोग बताते हैं। तो नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर है अपना, यहाँ पर है ग्रो विथ ग्रामर, मतलब अपोजिट वर्ड्स। क्या है स्टूडेंट्स, अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, तो हम पहले अपोजिट वर्ड्स पढ़ेंगे। ओ डबल पी ओ एस आई टी ई एस वर्ड्स, डब्ल्यू ओ आर डी एस, अपोजिट अपोजिट वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, अपोजिट की मीनिंग क्या है, ओ डबल पी ओ एस आई टी ई वर्ड्स, डब्ल्यू ओ आर डी एस, मतलब विलोम शब्द। मतलब क्या होता है इसका, विलोम शब्द। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने पास लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें अपोजिट वर्ड देखना है। फर्स्ट लिखा हुआ है डे, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, डे, मीनिंग क्या होती है देखो, डी ए वाई, और डे को हिंदी में क्या बोलते हैं, दिन। डे को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दिन। अब डे का अपोजिट क्या होता है इंग्लिश में, नाइट, एन आई जी एच टी, नाइट यानी क्या होता है, रात। क्या होती है स्टूडेंट्स, रात। अब देखिए नेक्स्ट लिखा है बेस्ट, बी ई एस टी, बेस्ट यानी अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। क्या होता है बेस्ट मीन्स स्टूडेंट्स, सबसे अच्छा। तो इसका अपोजिट होगा वर्स्ट, डब्ल्यू ओ आर एस टी, वर्स्ट यानी सबसे खराब या बेकार, सबसे खराब या बेकार। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिखा हुआ देखिए अपने पास हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, हैप्पी यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, खुश। अपोजिट क्या होता है इसका देखिए, सैड, एस ए डी, सैड यानी उदास, मतलब दुखी। क्या होता है, दुखी या उदास। देखिए नेक्स्ट लिखा है स्लीप, एस एल डबल ई पी, स्लीप यानी सोना, स्लीप यानी क्या होता है स्टूडेंट्स,
सोना क्या होता है स्टूडेंट्स, सोना, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा, अवेक, ए डब्ल्यू ए के ई, अवेक यानी जागना, अवेक यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, जागना। गुड, नेक्स्ट क्या लिखा है, गुड मीनिंग क्या होती है देखो स्टूडेंट्स, जी डबल ओ डी, गुड यानी अच्छा, गुड यानी क्या होता है अच्छा। अपोजिट क्या हो जाएगा, बी ए डी, बैड यानी बुरा, बैड यानी बुरा मतलब खराब। अब देखो आगे लिखा है इवनिंग, ई वी ई एन आई एन जी, इवनिंग यानी क्या होती है स्टूडेंट, शाम, क्या होती है शाम। फिर देखो लिखा मॉर्निंग, अपोजिट एम ओ आर एन आई एन जी, मॉर्निंग यानी सुबह है, ओके स्टूडेंट्स, मॉर्निंग यानी सुबह है। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है प्ले, पी एल ए वाई, प्ले यानी क्या होता है खेलना, प्ले यानी खेलना। अपोजिट क्या हो जाएगा, वर्क, डब्ल्यू ओ आर के, वर्क यानी कार्य करना, क्या होता है कार्य करना। तो इस प्रकार से अपने चैप्टर के अंदर ये अपोजिट वर्ड्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे आप भी, अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द मतलब ऐसे शब्द जिस भाषा के अंदर, वह शब्द जो जिस भाषा के अंदर लिखे होते हैं उसी भाषा के अंदर वो क्या करते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टा अर्थ देते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं, अपोजिट वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ देखिए क्या लिखा है, डे डी ए वाई, डे यानी क्या होता है दिन, देखिए डी ए वाई डे यानी दिन, इसका अपोजिट क्या होता है, डे का नाइट है और दिन का रात, ओके स्टूडेंट्स, तो एन आई जी एच टी, नाइट यानी रात, क्या लिखा है एन आई जी एच टी, राइट, नाइट यानी रात। नेक्स्ट लिखा है बेस्ट, बी ई एस टी, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, बेस्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे अच्छा। नेक्स्ट लिखा है फिर ब्रस्ट, डब्ल्यू ओ आर एस टी, ब्रस्ट यानी सबसे खराब। देखो फिर लिखा है हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी यानी खुश, सैड, एस ए डी सैड यानी उदास या दुखी। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या कर सकता हूँ, इनको जो ये अपने अपोजिट वर्ड्स हैं, विलोम शब्द हैं, इनको देखो अपन हेडिंग इधर ही डाल सकते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ डाल देता हूँ ओ डबल पी ओ एस आई टी ई डब्ल्यू ओ आर डी एस, ओके, मतलब अपने क्या है ये विलोम शब्द, ओके, विलोम शब्द, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, डे, डे का अपोजिट क्या होता है नाइट, डी ए वाई एन आई जी एस टी, डे को बोलते हैं दिन और नाइट को बोलते हैं रात। फिर नेक्स्ट लिखा है बेस्ट, बी ई एस टी, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, अपोजिट क्या हो जाएगा ब्रेस्ट, डब्ल्यू ओ आर एस टी, ब्रेस्ट यानी सबसे खराब। नेक्स्ट क्या लिखा है अपने पास, हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी यानी खुश, अपोजिट क्या हो जाएगा सैड, एस ए डी सैड यानी उदास या दुखी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपने ये थ्री कंप्लीट हो गए भाई। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ देखो स्लीप, स्लीप यानी क्या होता है सोना, मीनिंग क्या लिखिए एस एल डबल ई पी, सोना। नेक्स्ट लिखा है अवेक, ए डब्ल्यू ए के ई, अवेक यानी जागना। नेक्स्ट लिखा है गुड, जी डबल ओ डी, गुड यानी अच्छा, अपोजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बैड, बी ए डी बैड यानी बुरा। नेक्स्ट लिखा देखिए इवनिंग, ई वी ई एन आई एन जी, इवनिंग यानी शाम या सायकाल, या फिर क्या होता है स्टूडेंट्स सायकाल, ठीक है। इवनिंग ई वी ई एन आई एन जी, इवनिंग यानी शाम या सायकाल।
फिर लिखा है मॉर्निंग, एम ओ आर एन आई एन जी, मॉर्निंग यानी सुबह या प्रातः काल, सुबह या प्रातः काल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिखा है देखो प्ले, पी एल ए वाई, देखिए यहाँ पर पी एल ए वाई, प्ले यानी खेलना, इसका अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू ओ आर के, वर्क यानी कार्य करना। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्या पढ़ेंगे हम नंबर्स, एन यू एम बी ई आर एस, नंबर्स यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, वचन, क्या होता है वचन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक अपने अपोजिट वर्ड्स थे, ठीक है, इधर हम पढ़ रहे हैं नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट, रेडी विथ नंबर्स। तो देखो नंबर्स यहाँ पर क्या होता है, सिंगुलर होता है, मतलब कोई चीज़ एक होती है, उसके अलग अलग करने के लिए, विभिन्न करने के लिए अपने को ऐसे ई एस वगैरह लगा करके बहुवचन बनाना है, प्लूरल बनाना है, जैसे पेन। ओके स्टूडेंट्स, मैं क्या कह सकता हूँ इसको, पेन या मार्कर, ये कितने हो गए, पेन्स या मार्कर्स, मतलब जब कोई भी चीज़ एक होती है तो वो सिंगुलर होती है, जब वो दो हो जाती है या दो से अधिक हो जाती हैं तो प्लूरल हो जाती है, मतलब प्लूरल, मार्कर्स या पेन्स। इसी तरीके से प्रत्येक चीज़ होती है अपने पास, जैसे कि फर्स्ट लिखा है देखो बुक, क्या लिखा है स्टूडेंट्स, बुक, मीनिंग क्या होती है देखिए, बी डबल ओ के, बुक, बुक यानी पुस्तक, कितनी पुस्तक है यहाँ पर, बुक का मतलब सिर्फ है एक पुस्तक है, ठीक है। अब देखो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बी डबल ओ के एस, बुक्स यानी पुस्तकें, बुक्स यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पुस्तकें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपने पास थिंग, टी एच आई एन जी, थिंग यानी क्या होता है, एक चीज या सामान, चीज या सामान, भाई कोई भी एक चीज, ठीक है, या सामान या फिर वस्तु, ठीक है, तो इसका प्लूरल हो जाएगा देखो टी एच आई एन जी एस, थिंग्स यानी कई चीजें, कई चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पर थिंग का मतलब तो क्या था, केवल एक ही वस्तु थी, एक ही चीज़ थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ हो गई है, ठीक है। वे, वे यानी तरीके या रास्ता, डब्ल्यू ए वाई, वे यानी क्या होता है, रास्ता या तरीका, डब्ल्यू ए वाई वे यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, रास्ता या तरीका, ठीक है। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा देखो, डब्ल्यू ए वाई एस, वेज यानी क्या होता है, रास्ते या तरीके, रास्ते या तरीके। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट लिखा देखिए वन, ओ एन ई, वन यानी क्या होता है, एक, वन यानी क्या लिखा होता है स्टूडेंट, वन मीन्स एक, मतलब आप ये बताइए कि वन यानी एक होता है तो इसका ऑपोजिट, इसका जेन बहु प्लूरल क्या होगा, क्या टू हंड्रेड, नो मैनी, क्या होगा इसका, मैनी, एम ए एन वाई, मैनी, मैनी यानी क्या होता है, कई, या फिर दूसरे शब्दों में अनेक, या दूसरे शब्दों में क्या होता है स्टूडेंट्स, अनेक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिखा देखिए अपने पास बॉल, क्या लिखा है, बॉल, मीनिंग देखिए, बी ए डबल एल, बॉल यानी गेंद, और बॉल से कितनी गेंदों का पता चल रहा है अपने को, सिर्फ एक गेंद का पता चल रहा है, कितनी गेंद का पता चल रहा है स्टूडेंट, सिर्फ एक गेंद का पता चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बॉल, बॉल मीन्स गेंद, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ए डबल एल एस, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी ए डबल एल
एस बॉल्स यानी गेंदें, गेंदें, गेंदें मतलब अनेक गेंद, मतलब अनेक गेंदें या गेंद मतलब दो से ज़्यादा होती है, दो या दो से ज़्यादा तो बहुत सारी गेंद हो गई, बॉल्स बोलते हैं उनको। फिर नेक्स्ट है रूल, रूल यानी क्या होता है नियम, आर यू एल ई, रूल यानी क्या होता है स्टूडेंट्स नियम, क्या होता है स्टूडेंट रूल यानी नियम, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा रूल्स, क्या हो जाएगा रूल्स, आर यू एल ई एस, रूल्स यानी नियमों, रूल्स यानी क्या होता है स्टूडेंट्स नियमों। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज जो इस वीडियो के अंदर पढ़ा है वो मैं आपको एक बार फिर रिपीट करके बताता हूँ कि हमने अभी तक इस चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर जो टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था पिछले वीडियो के अंदर, और हमने आगे जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं अपन ने अपोजिट वर्ड्स एंड नंबर्स, अपोजिट वर्ड्स पढ़ लिए हमने डे, ओके स्टूडेंट्स रिपीट वंस मोर, डे क्या होता है नाइट, बेस्ट ब्रेस्ट, हैप्पी सैड, स्लीप अवेक, गुड बैड, इवनिंग मॉर्निंग, प्ले वर्क, ये तो थे अपने अपोजिट वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर्स मतलब वचन, तो देखिए बुक बुक्स क्या ऐड हो गया इसमें सिर्फ है एस, ओके स्टूडेंट यहाँ पर एस लगाते ही प्लूरल हो गया बुक बुक्स, थिंग थिंग्स यहाँ पर भी एस जुड़ गया, वेज यहाँ पर एस हो गया, वन मैनी ये तो पूरा शब्द ही चेंज हो गया, कहीं आप वन के आगे एस मत लगा देना वंस, तो ये अपना रॉन्ग हो जाएगा वंस, ओके हाँ वन का होता है मैनी, बॉल बॉल्स यहाँ पर भी एस लग गया, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट रूल तो क्या हो जाएगा इसका रूल्स, यहाँ पर भी एस लग गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से अपने ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट, आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले क्वेश्चंस करते हैं अपन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसे मिटा देता हूँ देखिए, और कल भी जो पिछला वीडियो था अपना उसमें भी मैंने बोला था कि देखो अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, आप जो बुक्स परचेज कर लें, स्कूल में बुक्स आ चुकी हैं, पेरेंट्स को भेजें बुक्स ले जाएं और आप स्टडी शुरू कर दें, ओके स्टूडेंट्स। नहीं तो स्कूल खुलने के बाद में जब पढ़ाई होगी तो आपको समझ में कम आएगा और आप पिछड़ जाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो हमने पढ़ लिए थे पहले अपोजिट वर्ड्स और फिर पढ़ लिए नंबर्स, अब इसके बाद में आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आंसर द क्वेश्चंस ओरली, हम कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं पहले एक्सरसाइज में, आंसर द क्वेश्चंस ओरली ए में, आंसर द क्वेश्चंस ओरली ओ आर ए डबल एल वाई, मतलब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर, जो निम्नलिखित प्रश्न है यहाँ पर पांच प्रश्न है, इन्हें पांचों प्रश्नों के उत्तर हमें क्या करना है ओरली देने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या अपना व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तो बताइए आप स्कूल कब जाते हैं, शाम को जाते हैं, सुबह जाते हैं, कब जाते हैं, तो आंसर वी गो टू स्कूल एट 7:30 AM, हम 7:30 बजे स्कूल जाते हैं, और कब जाते हैं इन द
मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का ये राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी बोल सकते हैं हम, वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, हम सुबह स्कूल जाते हैं, या हम सुबह 7:30 बजे स्कूल जाते हैं। दोनों ही तरीके से अपना आंसर कंप्लीट क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड है, डू यू प्ले During study period, do you play during study period? Okay student, पूछा क्या है कि आप पढ़ाई के समय, जब आपका पढ़ाई का पीरियड होता है, अवधि होती है, तब आप खेलते हैं क्या? बताओ खेल सकते हो क्या? खेलते हो क्या भाई? अरे मान लो कि स्कूल के अंदर आपकी पढ़ाई चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, पीरियड चल रहा है, और उस पीरियड के अंदर आप जो खेल सकते हो क्या? इट इज पॉसिबल या इम्पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल, नहीं खेल सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो खेलने का अलग से समय होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका नो, वी डोंट प्ले ड्यूरिंग स्टडी पीरियड। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखो क्या था, वेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं? वी गो टू स्कूल एट 7:30 AM इन द मॉर्निंग, हम सुबह 7:30 बजे स्कूल जाते हैं। सेकेंड में पूछा डू यू प्ले ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, क्या आप खेलने के अवधि में, खेलने वाले पीरियड के, पढ़ने वाले पीरियड के अंदर खेलते हैं? नो वी डोंट प्ले ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, हम खेलने के, पढ़ने के समय नहीं खेलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3, व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हो? व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हो? ये लिखा है ना स्टूडेंट, व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हो? आंसर हो जाएगा वी प्ले इन द इवनिंग, वी प्ले इन द इवनिंग, मतलब हम कब खेलते हैं स्टूडेंट्स? शाम को खेलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हैं? वी प्ले इन द इवनिंग, ये क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डू योर होमवर्क, तो आप बताइए आप होमवर्क कब करते हो? ठीक है, आप होमवर्क कब करते हो स्टूडेंट्स? तो टेल मी समथिंग, आंसर क्या हो जाएगा? वी डू आवर होमवर्क आफ्टर स्कूल। ओके स्टूडेंट, हम स्कूल से जाने के बाद में होमवर्क करते हैं, आफ्टर स्कूल मतलब स्कूल के बाद में, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है उसके बाद घर जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और खाना खा करके उसके बाद होमवर्क में लग जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 और आज के वीडियो के ये लास्ट क्वेश्चन अपना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इज इट यूजफुल, इज इट यूजफुल टू वर्क एंड प्ले ऑन टाइम। ओके स्टूडेंट, पूछा क्या है, क्या सही समय पर खेलना और पढ़ना, काम करना उपयोगी होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेरी सिंपल, यस इट इज यूजफुल
to work and play on time. Okay students, तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आपको एक बार और इसको रिपीट करके बता देता हूँ ताकि आप इंग्लिश में बोलें मेरे साथ साथ दोहराएं. आंसर द क्वेश्चंस ओरली. व्हेन डू यू गो टू स्कूल. ओके स्टूडेंट्स, आंसर है वी गो टू स्कूल एट 7:30 AM इन द मॉर्निंग. ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है डू यू प्ले ड्यूरिंग स्टडी पीरियड. आंसर है नो, वी डोंट प्ले ड्यूरिंग स्टडी पीरियड. क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हेन डू यू प्ले. आंसर वी प्ले इन द इवनिंग. ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हेन डू यू डू योर होमवर्क. तो आंसर है वी डू आवर होमवर्क आफ्टर स्कूल. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इज इट यूजफुल टू वर्क एंड प्ले ऑन टाइम. ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या है, यस इट इज यूजफुल टू वर्क एंड प्ले ऑन टाइम. ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपने ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हम अगले वीडियो के अंदर करने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज तक के वीडियो में हमने एक एक क्वेश्चन पास तक किए हैं. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद.